हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर द नेकलेस देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर गाय दे माउपसांत हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये स्टोरी एक यंग और प्रिटी लेडी से रिलेटेड है, जिसकी शादी एक छोटे से क्लर्क से हुई थी जो एजुकेशन के बोर्ड में था। वो सिंपल थी लेकिन अनहैप्पी थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो सभी लग्जूरीज के लिए पैदा हुई है, पर उसका हस्बैंड ज़्यादा रिच नहीं था। वो अपने घर की हालत देखकर बहुत गुस्सा करती थी। उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि कॉन्वेंट में उसके साथ थी। वाह, इतना अच्छा पॉट पाय, मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं पता। एक शाम को उसका पति आता है और बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने इनविटेशन को फेंक दिया और बोला, तुम क्या चाहते हो, मैं इसका क्या करूं? पर मैंने तो सोचा था कि तुम इसको देखकर खुश होगी, क्योंकि तुम कहीं बाहर जाती नहीं हो। लेकिन इस बार मौका है, ये इनविटेशन सब चाहते थे लेकिन कुछ को ही मिला है। तुम वहां पर चलोगी तो तुम्हें एक रियल ऑफिशियल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां क्या पहन कर जाऊंगी? अरे, वो वाली ड्रेस जो तुम्हें जब पहनी थी जब हम थिएटर गए थे, वो अच्छी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पास एक ढंग की ड्रेस भी नहीं है। तुम ये कार्ड किसी और को दे दो जिसकी वाइफ के पास ऐसे कपड़े हो जो वहाँ पर जा सके। चलो बताओ, एक अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी जो कि दूसरे ओकेशंस पर भी काम आ सके? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर लगभग 400 फ्रैंक्स काफी होंगे। पर मेरे पास जो पैसे बचे हुए हैं उससे तो मैं गन खरीदने का सोच रहा था, जिससे मैं हंटिंग पार्टी ज्वाइन कर सकता था। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस दे देता हूँ, तुम एक सुंदर सी ड्रेस ले आना। अब वो पार्टी का दिन पास ही था, लेकिन उसकी वाइफ मुंह लटका कर बैठी थी। क्या हो गया, तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है जिससे मैं अपनी सुंदरता बढ़ा सकूं। मैं बिना ज्वेलरी के गरीब दिखूंगी, मुझे पार्टी में नहीं जाना। तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, तुम उसमें अच्छी दिखोगी। तुम कैसी बेवकूफ हो, जाओ अपनी उस अमीर दोस्त मैडम फ्रॉस्टियर को ढूंढो और उससे कुछ ज्वेलरी उधार पर ले लो। अरे हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है। मैडम फ्रॉस्टियर क्लोजेट के पास जाती है और एक बड़ा ज्वेल केस लेकर आ जाती है और बोलती है, तुम इसमें से कोई सब ले सकती हो। वो बहुत सारी ज्वेलरी ट्राई करती है लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पाती है। क्या तुम्हारे पास और ज्वेलरी है? हाँ है ना, तुम खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। फिर उसको अचानक से एक काला डब्बा दिखता है जिसमें एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस होता है। वो उसको बहुत पसंद आ जाता है। क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मटिल्डा सबसे सुंदर दिख रही थी, सब आदमी उसको देख रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे और बात करना चाह रहे थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह की 4 बज रही थी। रुको, मैं कैब बुलाता हूँ। जब वो रोड पर जाते हैं उन्हें एक भी कैब नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी देर बाद एक अच्छी लेकिन पुरानी कैब मिलती है। वो उनको घर के बाहर तक ड्रॉप कर देता है।
वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। 10 बजे ऑफिस भी जाना है। हाँ? हाँ? नेकलेस कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम श्योर हो कि वो नेकलेस मिनिस्टर के घर तक तुम्हारे गले में ही था? हाँ, मुझे तो लगता है। लेकिन अगर तुमसे वो स्ट्रीट में गिरा होता तो गिरने की आवाज भी आई होती, लेकिन आई तो नहीं। इसका मतलब कहीं वो कैब में ही तो नहीं गिर गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या तुमने उसका नंबर लिया था? तुमने लिया था? उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। मिस्टर लॉजल ने ड्रेस चेंज करी और बोला कि मैं उस स्ट्रीट पर जा रहा हूँ जहाँ से हम आए थे। मटिल्डा सोती भी नहीं है। उसका हस्बैंड 7 बजे घर पहुँचता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता है। तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो, उसमें तुम लिखो कि उस नेकलेस का जोड़ टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करके वापस दे दोगी। इससे हमें कुछ करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन गए, कैब स्टेशन गए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया और उस पर अवार्ड भी रखा, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वीक के आखिर तक उनका पूरा होप खत्म हो चुका था। पैलेस रॉयल नाम की एक शॉप में उन्हें वैसा ही डायमंड का नेकलेस मिलता है जैसा उनसे घूम गया था। ये वाला नेकलेस कितने का है? ये वाला नेकलेस 40,000 francs का है। मैं आपको ये नेकलेस 36,000 francs में दे सकता हूँ। उसके पास सिर्फ 18,000 francs ही थे, जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे। बाकी के पैसे उसने बोरो किए थे। उसके बाद वो दुकान पर जाकर वो नेकलेस खरीद लेते हैं। अरे, तुम्हें मुझे जल्दी लाकर देना चाहिए था ना, अगर मुझे जरूरत पड़ती तो। उसने बॉक्स खोलकर देखा ही नहीं, जैसा कि मटिल्डा सोचकर डर रही थी। अब उसको अपने आप पर पछतावा हो रहा था। अब उनको डेप्थ से उभरना था। उन्होंने अपनी मेट्स को काम से निकाल दिया, उन्होंने अपना घर बदल लिया और एक पुराने से और सस्ते से घर में किराए से रहने लगे। उसने खाना बनाना सीखा, बर्तन धोए, कपड़े धोए। वो बाजार में से सामान भी लेने जाने लगी। उसके हस्बैंड ने एक्स्ट्रा वर्क किया, नाइट वर्क भी किया और ऐसा 10 साल तक चलता रहा और उसके बाद वो अपना कर्ज उतार पाए। अब मटिल्डा बूढ़ी टाइप से दिखने लगी थी। अब वो एक स्ट्रांग और हार्ड वुमेन बन चुकी थी। उसके बाल बेकार से हो गए थे, उसकी आवाज खराब हो गई थी, वो जोर जोर से बोलती थी। जब उसका हस्बैंड ऑफिस में रहता था तब वो खिड़की के पास बैठकर उस पार्टी के बारे में सोचती थी जिसमें वो सबसे सुंदर दिखती थी। कैसा होता अगर उसने नेकलेस नहीं घुमाया होता? अरे, ये तो मैडम फॉरेस्टियर है, ये तो अभी तक यंग और सुंदर है। क्या मुझे इनसे जाकर बात करनी चाहिए? हाय, गुड मॉर्निंग। अरे मैडम, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? आप शायद गलती से मेरे पास आ गई हैं। नहीं, मैं मटिल्डा हूँ। अरे, तो तुम हो, लेकिन तुम इतनी बदल कैसे गई? हाँ, मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें वह डायमंड नेकलेस याद है जो मैंने तुमसे पार्टी में जाने के लिए उधार लिया था? हाँ हाँ, याद है, बहुत अच्छे से याद है। लेकिन मेरे से वो गुम गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो वो नेकलेस मुझे वापस दे दिया था। हाँ, लेकिन मैंने उसके जैसा ही नेकलेस वापस दिया था और हमें 10 साल लग गए उसकी उधारी चुकाने में। तुमने बोला कि तुमने मेरे नेकलेस के बदले डायमंड नेकलेस खरीदा और उसे रिप्लेस किया?
अच्छा, तुम्हें उसे देख के समझ नहीं आया क्या? अरे मेरी पुअर मथिल्डा, मेरा नेकलेस नकली था। इसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं थी। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स से, और इन दोनों की लड़ाई हो रही है।